नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद बोलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद से दोस्तों अब एग्जाम आइडिया में जो यूट्यूब चैनल है उसके दोस्तों टोटल सब्सक्राइबर 1000 हो चुके हैं। दोस्तों उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मेरा शुक्रिया और आप सभी को बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। दोस्तों अब बता दूं आपको मैं एग्जाम आइडिया 51 में फिलहाल अब क्लासेस की बात करें दोस्तों, क्लासेस तो वहां पर चलती रहेंगी, जीएस की भी कुछ क्लासेस मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट जीके जीएस की भी क्लासेस मिलती रहेंगी। और साथ में दोस्तों अब आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी, मतलब कि जैसे कोई इंटरेस्टिंग न्यूज या जानकारी भी आपको इसमें मिलती रहेगी। अब तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को तुरंत जाकर एक बार और सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर सब्सक्राइब कर दें। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिलहाल, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एसएससी एग्जाम 2023 में। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम 2023 में होने एसएससी के जो भी एग्जाम होने हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन कहता है मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी। ओके, महामना की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। ओके, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। आपको बताना है जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन एंड डी ऑप्शन लॉर्ड बेवेल एंड लॉर्ड लिनलिथगो। तो कौन था दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उस समय भारत के वायसराय से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनलिथगो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ शामिल होने वाले अन्य कांग्रेसी नेता कौन थे। जीके गोखले, बीजी तिलक, चितरंजन दास, एम के गांधी। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सत्तु एंड ब्रह्मजाल सत्तु, धर्म चक्र परिवर्तन सत्तु या कच्चायन गोट्टा सत्तु। दोस्तों क्या कहा जाता है और उसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सत्तु। ओके अगला प्रश्न देखते हैं, मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था। ऑप्शन ए दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, सॉरी बैंक लिखा हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक से। ओके याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक से मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए बैंक से क्या ऋण लिया था। ओके अगला प्रश्न देखते हैं, टोडा कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। टोडा एक जाति होती है, वो कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु में। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके शासन काल के दौरान अधिनियमित किया गया था। आपको बताना है कि कौन उस समय दोस्तों भारत में था वायसराय के रूप में, जिसके अधिनियमित में रोलेक्ट एक्ट 1919 को अधिनियमित किया गया था, आपको यह बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड चेल्मफोर्ड, लॉर्ड विलियम एंड लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड बेंटिंक। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेल्मफोर्ड। ओके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में लागू की गई थी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति टाना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है। उराव, मुंडा, संथाल बोलते हैं, ओके एंड कोडाडोर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उराव। ओके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। पीसी पाल ने, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने एंड सरदार भगत सिंह या फिर रुक्मणी लक्ष्मीपत ने। किसने की थी दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना, और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों है नरेंद्र मंडल या राजकुमारों के कच्छ का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड वेलेस के द्वारा एंड कनॉट डेक के द्वारा, वेलिंगटन के डुविक के द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ओके कनॉट के डुविक के द्वारा।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध थम और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है, त्रिरत्न, तिवर्गा, त्रिसर्ग या फिर तिमर। और उसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा त्रिरत्न कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है। दोस्तों लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम या फिर कुमारगुप्त प्रथम, सॉरी कुमारगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। ओके, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो आपको बताना है लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। समझ बात आ गई है। चलो अब इसी साथ आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, क्या था दोस्तों, अध्यादेश था, संकल्प था, श्वेत पत्र था या फिर दोस्तों विनियमन अधिनियम था, क्या था दोस्तों आपको ये बताना है। 1784 का पिट एक्ट, 1784 पिट एक्ट क्या था। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा एक संकल्प था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला दोस्तों ऑप्शन है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी, बोलिए क्या ये सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना करने वाले ए ह्यूम थे, नहीं गलत हो जाएगा। उन्होंने दो बार कांग्रेस के वार्षिकी अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह एक पक्षी वैज्ञानिक थे, गलत हो जाएगा। वह भारतीय सिविल सेवा सदस्य थे दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उन्होंने दो बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो आजादी की पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जिसका नाम गोरिल्ला युद्ध, जिसने गोरिल्ला युद्ध देखा था, आपको ये बताना है दोस्तों। पानपुनपारा वायलार आंदोलन, तेलंगा आंदोलन, नोआखाली आंदोलन, तबागा क्षेत्र आंदोलन। और इसका सही दोस्तों आंदोलन हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, सिकंदर शाह लोधी, जलाल खान लोधी, इब्राहिम लोधी, कौन था बताइए। तो आपको बता दें लोधी वंश का दोस्तों संस्थापक था बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कला के गंधर्व स्कूल को किस नाम से जाना जाता है, कला के गंधर्व स्कूल को किस नाम से जाना जाता है, बौद्ध रोमन कला, द्रविड़ रोमन कला, गिक्रो रोमन कला या फिर गिक्रो रोमन बौद्ध कला। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिक्रो रोमन बौद्ध कला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित का प्रतीक था, साम्यवादी शासन का आगमन एंड रूस गणराज्य की स्थापना, रूस में लोकतंत्र की स्थापना, रोमानोव राजवंश को उखाड़ फेंकना या फिर बताइए क्या था, चार में से क्या सही आंसर है। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी शासन का आगमन, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा जनरल जिसे स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकियों के खिलाफ ब्रिटिश सेना की कमान संभाली थी, बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना, डलहौजी, विलियम वेंटिक, वेलेसली या फिर कॉर्नवालिस, बताइए कॉर्नवालिस कौन था दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बोलिए। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की थी, 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। उसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बॉम्बे विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था कब, 1972 में, 1975 में, 1977 में, 1979 में। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा 1975 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, पुणे में, औरंगाबाद में, अहमदनगर या फिर दोस्तों मुंबई। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर। ओके, अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, बरडोली की महिलाओं ने या फिर गुजरात के किसानों ने, दोस्तों किसने दी थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो दोस्तों श्रेय किसको जाता है, महात्मा गांधी को। ओके, अगला प्रश्न, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह घटित हुआ, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, रयत सत्याग्रह या फिर झंडा सत्याग्रह, बताइए। उसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा झंडा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर थेरवाद? इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दोस्तों कहा गया है दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी, कब वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। ओके दिल्ली जब ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन है, तब वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड वेवली? और इसका सही दोस्तों बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरबों द्वारा मुल्तान का नाम था सुंदरता का शहर, धन का शहर, सोने का शहर, गुलाबी शहर? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सोने का शहर। ओके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कविराज, कविराज मार्ग। ओके अगला प्रश्न, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन, राम प्रथम, कृष्णा प्रथम या फिर गोविंद प्रथम? और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कृष्णा प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि की माप उल्लेख किया गया था थला वैप रामू कॉपर प्लेट्स में या फिर उत्तर मेरू शिलालेख में या फिर कुदमियू यमलाई शिलालेख में या फिर कासाकुड़ी कॉपर प्लेट्स में? दोस्तों बताइए। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा थला वैप रामू कॉपर प्लेट्स में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था दोस्तों? सत्कर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सिमुक या फिर हाला? और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र। ओके एंड अपनी दोस्तों क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों कि प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? भोज, मिहिर भोज एंड दांती दुर्ग या फिर नाग भट्ट द्वितीय या फिर वत्सराज? और सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भोज, राजा मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ बात आ गई दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमें दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं और बढ़ते हैं और मिलेंगे दोस्तों अब हम अगली क्लास में इससे भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और करिए। ओके समझ में आया सभी को, आपको चीजें क्लियर हो गई हैं? ओके तब तक थैंक यू एंड गुड नाइट आप सभी को।